The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों हम बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुके हैं और सारे वीडियोस रेफरेंस्ड, ऑथेंटिक, वेरीफाइड, यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से वेरीफाइड हैं। आप उन सारे टॉपिक्स को ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी से। गूगल या यूट्यूब सर्च बार में आप अपना टॉपिक लिखिए और साथ में लिखिए डॉक्टर एजुकेशन, आपको उस टॉपिक पे अगर हमारा कोई वीडियो है तो आ जाएगा। राइट, आज हम बात करने वाले हैं ओरल थ्रश की। ओरल थ्रश मतलब जो वाइट कलर के पैच, वाइट कलर की जबान हो जाती, सफ़ेद जबान हो जाती है, वो क्या है, वो क्यों होता है, कैसे होता है। मोस्ट कॉमनली ये एक यीस्ट इन्फेक्शन है जिसका नाम है कैंडिडा। जी हाँ, ये कैंडिडा एक यीस्ट है, एक तरीके का फंगस है। नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर ही ये फंगस रहता है। राइट, ये हमारे टंग में, टंग के आसपास माउथ की लाइनिंग में हो सकता है। तो आइए बात करते हैं ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे प्रिवेंट करें, कैसे डायग्नोस करें, कैसे ठीक करें। राइट, लेट्स स्टार्ट। सी, हमारे शरीर में कई नॉर्मल जर्म्स रहते हैं, कई बैक्टीरिया रहते हैं, कई फंगस रहते हैं शरीर के अंदर बिल्कुल नॉर्मली। और कई सारे ऐसे जर्म्स जो, ये सारे जर्म बैक्टीरिया जो है हार्मलेस है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस में ये मौका पाके ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में फिर हमें दिक्कत दे सकते हैं। वैसा ही एक चीज़ है, कैंडिडा नाम का फंगस हमारे मुंह के अंदर रहता है, बहुत कम मात्रा में नॉर्मली पाया जाता है, लेकिन कोई कंडीशन ऐसी मिल जाए जिसमें के इसको ग्रो करने का मौका मिल जाए तो ये ग्रो करके आपको थ्रश यानी वाइट वाइट ओरल पैच कर देगा। और ज़्यादातर केसेस में आपकी खुद की इम्यूनिटी या फिर दूसरे जो जर्म्स, दूसरे बैक्टीरियाज जो मुँह में होते हैं वो इस कैंडिडा को, इस यीस्ट को कंट्रोल में रखते हैं, ग्रो नहीं होने देते। लेकिन जब भी आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई और मान लीजिए कोई दूसरे नॉर्मल बैक्टीरिया मर गए, तो चांस मिल जाएगा इस फंगस को, कैंडिडा को ग्रो करने का। ऐसा कब होगा? अगर आप बीमार हैं, आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप बहुत बूढ़े हैं, छोटे बच्चों में भी बहुत आसानी से हो जाता है थ्रश, आपकी इम्यूनिटी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मान लो आपको HIV एड्स है, मान लो आपको कैंसर है, कोई कीमोथेरेपी चल रही है उसके वजह से इम्यून सिस्टम कम है, आप कोई स्टीरॉयड की मेडिसिन ले रहे हो, अस्थमा, COPD, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, TB वाले पेशेंट्स को बहुत कॉमनली चलती है ऐसी दवाएं जिनको पहले फेफड़ों की बीमारियां हैं, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स की अगर शुगर हाई है तो वो शुगर, हाई शुगर के साथ वो शुगर थोड़ी सलाइवा में भी आ जाती है और आपका सलाइवा मीठा कैंडिडा का खाना बन जाता है, वो फूड, वो शुगर, तो कैंडिडा बड़ी आसानी से ग्रो करता है, इसलिए ब्लड शुगर वालों को भी हो जाता है। अगर आपने कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स लिया, तो एंटीबायोटिक्स जब मुँह में डालते हो तो मुँह के अंदर वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरिया को भी मार देती है वहाँ के नॉर्मल बैक्टीरिया को, और कैंडिडा को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। और या फिर अगर आपके डेंचर जो है, दांत के डेंचर सही से फिट नहीं हो रहे, तो भी वहां पर कैंडिडा ग्रो कर सकता है। बहुत आसान है, कैंडिडाज का इन्फेक्शन और भी जगहों पे हो सकता है, आपको वेजाइना के अंदर भी हो सकता है फीमेल्स को, और न्यूबॉर्न्स में ये बहुत कॉमन है और इजीली ठीक हो जाता है। अगर आपको कैंडिडा होगा तो क्या होगा, आपके मुंह में सफ़ेद रंग के वेलवेट जैसे पैचेस आ जाएंगे और माउथ के अंदर भी आ सकते हैं, टंग के ऊपर भी आ सकते हैं, माउथ में भी आ सकते हैं अंदर। कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है जब आप ब्रश करें या उसको निकालने की कोशिश करें बहुत ज़ोर से। पेन भी हो सकता है किसी किसी को स्वॉलोइंग पे, स्वॉलो कर, वैसे पेन नहीं, निगलते समय पेन हो सकता है। डॉक्टर को जाके दिखाइए, एक आपका फिजिशियन या डेंटिस्ट दोनों इसको डायग्नोस कर सकते हैं, देखते ही बता देंगे भाई ये तो सिंपल थ्रश है, ये तो कैंडिडा है, ये तो माउथ के ऊपर आया है, ये क्योंकि बहुत आसानी से दिख जाता है वाइट रंग का पैच। राइट, इसको कंफर्म करने के लिए कई बार एक स्किन की थोड़ी सी, टंग की स्क्रैपिंग ले ली, ज़रा सा जेंटली स्क्रैच किया, उसकी स्क्रैपिंग को आप माइक्रोस्कोप के नीचे KOH माउंट में देखेंगे, पता चल जाएगा फंगस है कि नहीं।
और सिवियर केसेस में ये फंगस फैल सकता है, आपके सीधा फूड पाइप में चला गया, पीछे के चला गया, तो इसोफेगस पूरा इन्वॉल्व हो गया। इसोफेगस वो पाइप है जो मुंह से आपके पेट को कनेक्ट करती है, फूड पाइप आपकी, उसमें चला गया तो फिर थ्रोट कल्चर पीछे से लेके उसको तो करेंगे ही, साथ में इसोफेगस को देखने के लिए एंडोस्कोपी कर सकते हैं, उसमें एंडोस्कोपी के थ्रू पता चल सकता है कितना अंदर तक फैला हुआ है। अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है भाई साहब, अगर आपको बहुत माइल्ड थ्रश है, थोड़ा बहुत है, एंटीबायोटिक ले लिया था या फिर कुछ हो गया था तो उसके वजह से माइल्ड सा थ्रश आ गया, सिंपल दही खा लो, योगर्ट ले लो या कोई प्रोबायोटिक की दवा खा लो ओवर द काउंटर, एसिडोफिलस लैक्टोफिलस बैक्टीरिया, उससे ही ये ठीक हो जाएगा। इससे आपके नॉर्मल हेल्दी जर्म्स का बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा, मुंह के अंदर ठीक हो जाएगा। अगर आपका सीवियर केस है, ज़्यादा बड़ा है, थ्रश है, जा नहीं रहा, तो फिर आपके डॉक्टर आपको दवा दे सकते हैं। दवा में माउथ वॉश आता है, एंटीफंगल माउथ वॉश में निस्टैटिन होता है, लोसेंजल्स आती हैं चूसने वाली दवा, उसमें क्लोट्रायमेजोल होती है, और एंटीफंगल मेडिसिन दवा खाने वाली दवा और सिरप भी आता है जिसमें फ्लूकोनाजोल या इट्रोकोनाजोल हो सकती है। याद रखिए, ओरल थ्रश बहुत आसानी से ठीक हो सकता है इसमें, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये बार बार वापस आ सकता है और सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है। इम्यूनिटी वीक वाले लोगों में कैंडिडा पूरी बॉडी में भी फैल सकता है और सीरियस इन्फेक्शन करके ब्रेन को, आँखों को, हार्ट को, जॉइंट्स को, फूड पाइप को इन्फेक्ट कर सकता है। तो उसमें फिर ब्रेन में मेनिंजाइटिस, आँखों में एंडोऑप्थल्माइटिस, इसोफेजाइटिस, हार्ट में एंडोकार्डाइटिस, जॉइंट में आर्थराइटिस कर सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ थ्रश या थ्रश जैसा है, डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको निगलने में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है या कोई ऐसी दवा चल रही है तो डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको बार बार होता है ऐसा थ्रश, बार बार वाइट पैचेस आते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको रेगुलर बेसिस पे एंटीफंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि रेगुलरली लो, ताकि वो फिर से वापस ना आए। अगर आपको डायबिटीज है, मेक श्योर करो कि आपकी शुगर अच्छे से कंट्रोल में है, ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगी, कैंडिडा को खाना कम मिलेगा, वो कंट्रोल में रहेगा। सो ये ही चीज है, ओरल थ्रश एक फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस बोलते हैं, कैंडिडा इन्फेक्शन है। दैट्स ऑल गाइज, इसी के बारे में आपको जानना जरूरी था, सबको जानना जरूरी है, बहुत लोग परेशान होते हैं इसके चलते। सही जानकारी मिले तो बेस्ट, इसलिए दही जरूर खाओ। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इसको शेयर जरूर करिए, सबको बताओ, और कल फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।